शुभ प्रभात। शिक्षा संजोग हाटड़ीर विज्ञान कार्यक्रम रे मु श्री बुद्धदेव राउत मु श्री बसंत कुमार महाराणा समस्त को स्वागत जनाउछु। जे आजिर विषय वस्तु वस्तुर गुण ओ सजीव निर्जीव उपरे आलोचना। हाँ पिला माने, तुम माने तो सबू या पूर्वरु जानिथिलो प्राकृतिक कृत्रिम वस्तुर श्रेणी विभाग करिथिलो। क्वेश्चन मध्य तुमको दिया जाइथिला एवं कौन प्राकृतिक पदार्थ आ कौन कृत्रिम वस्तु, तेणु तुम्हें समस्ते जानिथिलो जेते गुड़े पदार्थ अछि सेगुडाक सब प्राकृतिक एवं जेते गुड़े वस्तु तयारी होइछि ताहा सब कृत्रिम। आउ से बाबद तो तुमको असंसार भल भाव कही थी। मुझे तुमको प्रश्न दे काठरे तयारी चौकी टेबुल पत्थर सेमती कौन कौन तयारी पार लुहारे कौन तयारी पार खनिज तैल कौन कौन सब पाइपर झोटरू कौन कौन पाइपर मटी कौन पाइबा बक्साइट रू कौन पाइबा तुमको सार कही मुझे तेणु आस ए सब प्रसंग तो आम जाणी यापर टे जाणी जीव आ निर्जीव प्रकृत कथा कहले बिले जीव आ निर्जीव भितर आम कौन सब देखती आम चतुर्पार्श्वर जिते सब घेरी रही केते गुड़े गच्छ देखु छोट छोट गच्छ बड़ बड़ गच्छ देखु ये सब जीव ना निर्जीव एम जीवन अच्छी एम बढ़ुंती वंश वृद्धि करशेष मृत्यु एम आहुत भितर कथा बहुत रही श्वासक्रिया करती खाद्य ग्रहण करती ए प्रकार सब कथा अच्छी तेणु एम समस्ते सजीव से आउ कौन अच्छा ना ये उद्भिद सहित प्राणी अच्छा प्राणी कथा तुम समस्ते भल भाव जाणि प्राणी होती सजीव आ उद्भिद सजीव तेणु ये जान लजीव निर्जीव कौन निर्जीव प्रकृत आम कौन कौन जाना आम घर गोटे निर्जीव आम जो मोटर सैकेल चला मोटर कार जाम बारंडा देखुंती फ्लाग पोस्ट देखुंटे रास्ता देखुंट गोटे मंदिर देखुंत ये सब को आम निर्जीव कह तेणु निर्जीव आ सजीव भितर तुम्हें निश्चय थर पार्थक्य जापार तेणु ये प्रसंग गोटे प्रश्न मुझे तुमको देवी तुम्हें यार उत्तर करमें सबू जाणी वस्तुर गुण प्रकृत वस्तुर गुण किपर अलग होता है ताहा पदार्थ गुण सहित केते सामंजस्य थाए आते पृथक होता है तुमको भल भाव आलोचना कर बसंत सार पाने तुमको तो बुद्ध सारे कहले सजीव निर्जीव बर्तमान आसवा आम वस्तुर गुण संपर्क आलोचना करवा कौन वस्तुर सब गुण थाए कि प्रकार सब गुण थाए आम सब बर्तमान आलोचना कले गोटे गोटे आम जापर एवं आमर तो ता विषय टिके कम धारणा थी तथा मुझे तुमको पॉइंट बाय पॉइंट कहीदे तुम बुझिपार। देख प्रत्येक वस्तुर विशेषकर दुईट मौलिक गुण थाए प्रथम यह स्थान अधिकार कै द्वितीय यार वस्तुत्व अच्छे स्थान अधिकार कै अर्थात आम इटा खंडे नहीं जावा इटा खंडे नहीं कि आम कौन करवा टेबुल रखा टेबुल रखा अर्थात से टेबुल किसी स्थान अधिकार कला अर्थात यहीटा है वस्तुर गोटे मौलिक गुण। द्वितीयटी है यार वस्तुत थाए वस्तुत शब्द जहाँ हो तुम पिला खाली जानत ओजन अर्थात ईटाटे आमको ओजनिया लगुच कि ओजन रही वस्तुत ओजन पार्थक्य थे तुम खाली आज यही अर्थ में जाणी था। अच्छा एत तो भिन्न एम आनेक गुण रही सेगुड़क आम कह देख प्रथम है रंग बा वर्ण आम जानले वस्तुर कौ रंग अच्छी कौन हाल है आमपटे सबुज वर्ण पाचीगले हलदिया पड़ जाए बाके ईसत लाल पड़ जाए बा गोलाप रंग पड़ जाए इटाटा है से भाई एक प्रकार लाल वर्ण जलटा है वर्णहीन कारण जलर रंग नहीं यही सबू आम सब देखा आउ मसृणता रुक्षता मसृणता आम जब गोटे वस्तु को छुईवा तो ऊपरटा जब आमको खसरा लगुता है आमर मसृणता आओ जदि आम हाथ को आबड़ा खाबड़ा लगुता है आम कह रुक्षता जमीक तुम स्कूल टेबुल उपरे जो सब आजिकल टेबुल अच्छी टेबुल जो सनमिका आम हाथ मारता हाथ खसी जाऊला मसृणता चिकनिया पूरा देखा जाए आ तृतीयटा उज्जवलता गोटे गोटे वस्तु को आम चाहे से पर आम आखि झलसी गोटे आ गोटे वस्तु कौन हुए ना आखि झलसे ना यहाँ वस्तुर कौन ना उज्जवलता
आ गोटे स्वच्छ अस्वच्छ स्वच्छ कौन ना जो पदार्थ दे आलोक पास कर आलोक गति करवच्छ आउ जो वस्तु दे कि आलोक जापार ना आम कह अस्वच्छ जमीक काच आलोक प्रवेश काचटा है स्वच्छ पथर मध्य आलोक जापार ना ताको आम कह अस्वच्छ यापर आम देखा हालुका अच्छी कि ओजनिया अच्छी कौ वस्तुटा हालुका आउ कौ वस्तुटा ओजन यहाँ गोटे तार गुण आउ कौन कठिन बा नरम आम वस्तुटा को टे आंगुली चपिदे दि आंगुली चपिद जोर दाबीदे जदि दबी जाऊ आम जाणी इटाला नरम वस्तु एवं जदि न दबिला टाण लगला आम कहटा हूँ कठिन वस्तु आउ या आम जाना कौन द्रवणीयता द्रवणीयता अर्थात किसी वस्तु अच्छा पानी पकड़े मिले जाए आउ कि पानी पकड़े मिले जाए ना अर्थात चीनी को मिश्र को आम पानी पकड़े कौन हम ना पानी से मिले जदि आम बाली गोड़ी काठी कुटा पकेबा ये सब पानी मिले ना अर्थात द्रवणीयता यार एक गुण यहीपर अनेक गुण अच्छी सेगुड़क आम गोटी गोटी आलोचना कले वर्तमान बुद्धदास सार तुमको सारणी देवे से ही सारणी अनुसार तुम्हें पूरण कर तार उत्तर लिखिदेव पे जो सारणी दिगला तुम्हें सारणी को लक्ष्य कर से तुमको देखी काठ खंड अंगार सफा बाली चखड़ी स्टील चामच ये वस्तुगुड़िक दिगला तुम्हें कौन कर सेगुड़क ऊपर अंश को टे हाथ लगे कि अनुभव करमी लगुच से मश्रुण लगुच कि आबखाबड़ा लगुच कि कौन लगुच एवं एट सब जहाँ अनुभव कर जहाँ सब तुम्हें जापर से ही अनुजाई ये सारणटी को पूरण कर द्वारा कौन हम ना वस्तुगुड़िकर कतोटी गुण जापर एवं से ही अनुसार सेगुड़िक श्रेणी विभाग तुम्हें करपर तेणु यही शिक्षण कार्यर तुम्हें कौन जान जे वस्तुर रंग एक प्रकार नुहे वस्तुर कठिन बा नरम ता एक प्रकार नुहे सबु वस्तुर बाह्य रूप एकापरि नुहे मुझे गुड़े वस्तु तुमको दे पाने सारणीटी को टे देख जोटी तुमको मुझे कह द्रवणीयता बाबद देख चीनी गोटे वस्तु जलर द्रवणीय जलर मिले जाए एवं जल ठारू ओजनिया तल स्तर बा तल अंश बसि रहे तापर कह तुमको किरोसिन किरोसिन जलरे द्रवणीय नुहे किंतु जल उपरे अलग आस्तरण सृष्टि करके रही थाए कमिता ना या जल ठारू हालुका जल ओजनिया ये हालुका तापर कह काच बाटी कहल द्रवणीय नुहे यह जलर तल भाग को चल जाए ता कारण कौन यह जल ठारू ओजनियापर कह सफा बाली ये मध्य जलर द्रवणीय नुहे यह जलर तल भाग को पड़े थाए कहीं बाली तल को पड़े थाए जल ठारू बाली ओजनिया तेणु आम ए द्रवणीयता बाबद भूल कि जापड़ शेष गोटे जिनस को जीवा कुटा बा नड़ा कथा चिंता करवा दीखंड कुटा बा नड़ा पाने आणिक पकईदे देखा ताको चकुटा चकुटिले से केवे मेले जाऊ ना कि खंडे मटिक खंड पकईदे हाथ में दलिदे जल द्रवीभूत हो किंतु कुटा खंडटा द्रवीभूत है ना किंतु है कौन ना एगुड़ी जल से भाषिला ता कारण कौन यह जल ठारू हालुका तेणु यह भाषिला एथरु आम जान लें द्रवणीयता गुण वस्तुर गोटे रही मटिकंडटा मिलगला चीनी मिलगला किंतु ये किरोसिन मिललानी काच बाटी मिललानी सफा बाली मिललानी एथरु आम द्रवणीयता बाबद जानपरल पे तुम मैंने एथसत वस्तुर विभिन्न गुण जान लंग वर्ण मसृणता बा रुक्षता उज्जवलता बा उज्जवलता कहले तार रंग बाबद जाणी कला धला विभिन्न रंग तापर हालुका बा ओजनिया कठिन किंबा नरम शेष जाणी द्रवणीय बा अद्रवणीय यहीपर आम वस्तुर गुण धर्म गुड़ी जान ले एथसत आज विज्ञान कार्यक्रम तथा षष्ठ श्रेणी वस्तुर गुण विषय कार्यक्रम को ये रखा
एवं परवर्ती श्रेणी रे ए बाबद पुणी आलोचना करिबा। पिला माने आज पई एतिकी।